आज का टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इसका मतलब क्या है? अभी तक आपने ये समझ लिया होगा कि एक इंडिविजुअल या एक पर्सन, नॉट इंडिविजुअल, एक पर्सन रेजिडेंट हो सकता है, यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है। ठीक है, अब ये सबका अलग अलग सिस्टम था कि इंडिविजुअल किस कंडीशन में हो सकता है, फर्म का क्या सीन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर ली हैं। और उन सब चीज़ों की क्लियर करने का मकसद क्या था? यही था ये बताना कि अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो आपको टैक्स कितना पे करना है, अगर रेजिडेंट नहीं हो यानी कि नॉन रेजिडेंट हो तो टैक्स कितना पे करना है, और अगर ऑर्डिनरी नहीं हो यानी नॉट ऑर्डिनरी हो तो कितना पे करना है। क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से यानी उनकी लॉ के हिसाब से हर तरह के असेसी को, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, टैक्स का सिस्टम अलग अलग होता है। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि हम जिस पर्सन की असेसमेंट की बात कर रहे हैं वो पर्सन आखिर है कौन, क्या वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है या नॉन रेजिडेंट है। जब तक बेटा इस बात का पता नहीं लगेगा तब तक आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो आपको पता लगाना बता दिया गया है। अब चलते हैं आगे कि कैसे कैसे टैक्स लगेगा। इसके लिए ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप देखेंगे। इन पॉइंट्स को मैं आपको इस टेबल के माध्यम से समझाऊंगी। एक्चुअली ये टेबल लास्ट में कॉन्क्लूजन के तौर पे है, देखो ब्रीफ में दे रखी है। तो मैं आपको ना यहीं से समझाऊंगी, जब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी तो आप उसको प्रॉपर ढंग से लिख भी सकते हो। जैसे आपने देखा टैक्स कोई लगेगा या नहीं लगेगा, ये डिपेंड करेगा आप कौन हो, रेजिडेंट हो। यहाँ पर रेजिडेंट का मतलब बच्चे ऑर्डिनरी से है। कहीं पे भी आप रेजिडेंट वर्ड देखें तो उसका मतलब ऑर्डिनरी ही लेकर चलें। ये नॉट ऑर्डिनरी है, ये नॉन रेजिडेंट है। किसी के साथ को ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा पर्सन है, इंडिविजुअल है या फर्म है, ये सबके लिए है। ठीक है, अब जैसे कंपनी है, कंपनी या तो रेजिडेंट होती है या नॉन रेजिडेंट होती है, वो नॉट ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकती, तो ये वाला कॉलम उसके ऊपर लागू ही नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है तीन कैटेगरी हमने क्यों बनाई है। अब ये यस नो का क्या सिस्टम है ये मैं आपको बताने के लिए इस तरफ लेके आ रही हूँ। यहाँ दिख रहा है आपको, ये इनकम के नेचर के बारे में है, किस तरह की इनकम है। यहाँ आप देख रहे हो 8 पॉइंट्स हैं, इन 8 पॉइंट्स को आपको समझना है। इन 8 के अलावा 9वां कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, 8 फिक्स पॉइंट्स हैं। राइट, फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट पे मैं पढ़ के बता रही हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, सिंपल बात है, जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई हो, वेदर चाहे एक्रू और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब समझिए। कोई भी इनकम जो आपको इंडिया में रिसीव हो चुकी है, चाहे वो कहीं भी एक्रू हुई हो या अराइज हुई हो, मतलब क्रिएट हुई हो, यानी कि इंडिया के बाहर हो। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव हुई हो, लेकिन चाहे कहाँ पे आपने कमाई है वो डिपेंड, वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। पहली पॉइंट यही देखना है, इंडिया में रिसीव हुई है या नहीं हुई है। जैसे ही आप देखोगे इंडिया में रिसीव हुई है तो आप इधर आ जाइए। आप देखेंगे अगर वो पर्सन तो रेजिडेंट है तो यहाँ टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी है तो भी देगा, नॉन रेजिडेंट है तो भी देगा। अब समझ में आ गया, तीनों के अंदर यस का मतलब होता है इस इनकम पर जो इंडिया में रिसीव हुई है तीनों कैटेगरी के लोग टैक्स देंगे, चाहे वो कंपनी हो, पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कोई भी हो। ठीक है, अराइजन का मतलब या एक्रूअल का मतलब समझा देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मान लीजिए नहीं मैं हूँ ही गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा कॉलेज या मेरी सरकार या जिसके अंडर मैं काम कर रही हूँ हरियाणा सरकार, वो मुझे कुछ टाइम के लिए क्या करती है, इंडिया के बाहर किसी काम के लिए भेजती है, कॉलेज के काम के लिए। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मैं एम्प्लॉई किसकी हूँ बच्चों, हरियाणा गवर्नमेंट की। बाहर किसके काम से गई हूँ, उन्हीं के काम से गई हूँ। वहाँ रहते हुए जो मेरी सैलरी है वो कहाँ क्रिएट कहाँ हो रही है, क्रिएट कहाँ हो रही है, देखो हो तो इंडिया में रही है ना, क्योंकि उसका सोर्स क्या है, सोर्स तो इंडियन गवर्नमेंट है मेरी। ठीक है, लेकिन काम मैं वहाँ कर रही हूँ। ओके,
अब मान लो हरियाणा गवर्नमेंट मेरी सैलरी को मेरे वहाँ जा, मान लो मुझे यूके में भेज देते हैं, यूके में ही डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यूके के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इनकम कहाँ रिसीव हुई मुझे? इंडिया के बाहर हुई, यानी कि यूके में हुई। अराइज कहाँ हुई? इंडिया में हुई। सोर्स तो इंडिया का था ना। अब ये जो पॉइंट मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, वो पॉइंट नंबर टू है जो आने वाला है, सॉरी पॉइंट नंबर टू नहीं है, पॉइंट नंबर थ्री है। मैं आपको एक बार स्किप करके पॉइंट नंबर थ्री पे ले जाती हूँ, अभी आपको कहानी समझ में आ जाएगी। इनकम अराइज इन इंडिया हो गया ना, वही वाली बात, अराइज इंडिया में हो गई, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, चाहे इंडिया में रिसीव हुई हो चाहे ना हुई। मान लो एक परसेंट मैं मान लेती हूँ कि मुझे इंडिया में रिसीव नहीं हुई है, ठीक है, तो कहाँ रिसीव हुई है मुझे इस समय? वो इंडिया के बाहर मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। पॉइंट नंबर थ्री मेरी बात को जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है, ठीक है। अभी मैं इसका उल्टा एग्जांपल लेती हूँ। इंडिया में मैं आई हुई हूँ, मैं मान लो मैं यूके में रहती हूँ, यूके के बंदे को इंडिया में किसी काम के लिए भेजा जाता है, अराइज कहाँ हुई उसकी, यानी कि एक्रू कहाँ हुई? एक्रू का मतलब भले समझ लो, एक्रू का मतलब क्या होता है? एक होता है ना, मान लो मैंने एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक एक काम किया है, सैलरी मुझे 30 तारीख को मिलती है, तो वो क्या कर रही हूँ मैं? एक्रू कर रही हूँ, मतलब मेरा राइट है। अभी मुझे मान लो मेरे को सैलरी मिली नहीं है, तो मैं एक्रू तो हो चुकी है ना, यानी ड्यू हो चुकी है, यानी मेरा राइट है उसको रिसीव करने का, लेकिन रिसीव हुई नहीं है। एक होता है रिसीव कर लेना और एक होता है राइट टू रिसीव, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो जब एक्रू या अराइजन वर्ड यूज़ करें ना, उसका मतलब होता है राइट टू रिसीव, ठीक है, और जब रिसीव कर लें बस बात खत्म, फिर तो रिसीव हो ही गई। अब क्लियर हो गई ये बात। अब वापस फर्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। मान लो मैं यूके में रहती हूँ, यूके की गवर्नमेंट के अंडर जॉब करती हूँ, और मुझे वहाँ से इंडिया में किसी काम के लिए भेजा जाता है, यहाँ मुझे जो सैलरी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है वो इंडिया में रिसीव हो गई और इंडिया के बाहर एक्रू होगी। अब आ जाओ फर्स्ट पॉइंट पे, इंडिया में रिसीव हुई, लेकिन इंडिया में एक्रू हो चाहे ना हो, मतलब पहला ऑप्शन कहता है कि इंडिया में रिसीव होनी चाहिए। इंडिया में जैसे ही रिसीव हो, आप चाहे रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, मान लो मैं यूके में ही रहती हूँ, मैं प्रीवियस ईयर में 182 दिन इंडिया में नहीं रही, तो मैं हो गई ना, क्या नाम है, नॉन रेजिडेंट, आ गई ना नॉन रेजिडेंट में। मान लो मैं दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई कंडीशन पूरी नहीं करती, तो मैं नॉन रेजिडेंट में आ गई। लेकिन अगर मैंने कोई भी इनकम, बात सैलरी की नहीं है, किसी भी तरह की इनकम अगर मैंने इंडिया में ले ली है ना, तो चाहे मैं यूके की रहने वाली हूँ या मैं कहीं की रहने वाली हूँ, अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूँ तो भी मुझे टैक्स देना होगा इंडिया में, इंडिया में टैक्स देना होगा। हम लोग इंडियन इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, मैं यूके की बात नहीं कर रही हूँ। यूके की सरकार के रूल्स क्या होंगे आई डोंट नो, हो सकता है मुझे वहाँ पे भी टैक्स देना पड़े, लेकिन इंडिया की, क्योंकि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ और इंडिया के अंदर मुझे सैलरी मिल रही है, इसलिए मेरे को यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा। अब वापस आ जाइए फर्स्ट पॉइंट पे फिर से। पहला क्या कह रहा है कि पहले में, मतलब आपने एक बात क्लियर कर ली कि इनकम इंडिया में मिलते ही आप किसी भी कैटेगरी के बंदे हों, आपको टैक्स देना ही होगा। नंबर टू, अब इंडिया में इनकम मिली नहीं है पर मिली हुई मान ली गई है। अभी मानने का मतलब क्या है ये देखो, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड वर्ड है बच्चों, आपने याद, आपको पता होना चाहिए डीम्ड का मतलब क्या होता है, मान लिया जाना, ओके। तो फर्स्ट चैप्टर में डीम्ड असेसी के नाम से एक पॉइंट आया था, आप उसको चेक कर सकते हैं। पहले और दूसरे पॉइंट में डिफरेंस क्या है? पहले में तो इनकम रिसीव हो गई, दूसरे में इनकम रिसीव तो नहीं हुई पर मान ली। अब मानने का मकसद क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, राइट, उस कंपनी के शेयर्स पे आपको क्या मिलता है बच्चों? डिविडेंड। जैसे ही कंपनी बेटा डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, ये मान लिया जाता है कि वो आपको मिल गया, ये ध्यान में रखना। क्या कह रहे हो? दिस इज डीम्ड, इट इज डीम्ड। अभी डिक्लेयर होते हुए तो आपको कोई इनकम नहीं मिलती ना, वैसे देखा जाए तो उसको एक्रू मानना चाहिए, पर नहीं, यहाँ उसको डीम्ड टू बी रिसीव्ड मान लिया, जैसे ही डिक्लेयर होगा ना रिसीव मान लिया जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि ये डीम्ड है या एक्रूड है, राइट। डीम्ड टू बी रिसीव्ड और एक्रूड में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा, वो आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन में तब आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई इतना लंबा चौड़ा पंगा भी नहीं है, इसमें आप आराम से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
तो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मीन्स कि इंडिया में इनकम रिसीव नहीं हुई है पर रिसीव हुई मान ली गई है. फॉर एग्जांपल किसी भी इंडियन कंपनी का अगर आपने शेयर होल्डर्स में पैसा लगाया है या आप शेयर होल्डर हो शेयर्स में पैसा लगाया है, यू आर द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी एंड यू आर गोइंग टू रिसीव द डिविडेंड. अभी मिला नहीं है, जैसे ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया देन इट मीन्स यू विल रिसीव दैट अमाउंट ऑफ डिविडेंड. बट एट दिस मोमेंट इट इज नॉन, ये मान लिया गया है कि आपको डिविडेंड मिल गया है. जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना बच्चों, तो मान लिया जाता है कि डिविडेंड मिल गया है. तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड का मतलब ये ही होगा. अब अगर ये सीन हो, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्लियर हो गई, अराइज हो कहीं हो, वही बाकी बात ऊपर वाली है. ऊपर था इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, नीचे है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है. इसमें भी तीनों में यस होगा, ये भी तीनों के केस में हमारा यस माना जाएगा. ओके.